Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आमतौर पर डॉक्टर क्या करता है वो मस्त तलाश करने के लिए कहता है फलाना फलाना बोन पे टच करवा लो। अच्छा उसमें कोई समझ नहीं आती, फिर वो कहता है अच्छा ऐसे करो अल्ट्रासाउंड करवा लो, फिर उसमें नजर नहीं आती, फिर वो कहता है अच्छा सीटी स्कैन करा लो, उसमें कुछ नजर नहीं आया तो कहता है एमआरआई करवा लो। रंग बिरंगे लोग कई टेस्ट करता है सिर्फ ढूंढने के लिए मसला है कहाँ, वो मसला पता चलेगा तो अगर आगे से बात करेंगे। इसमें अल्लाह ताला ने कैसी तरीके से रखी है, खुद ही तलाश करेगा मसला कहाँ है। मतलब आपको ये टेंशन नहीं है कि वीजा पटाला की रिपोर्टें करवा के लाओगे तो फिर से खाओगे, आप अल्लाह का नाम लो, जैसे रोटी खाते हो आप, सालन खाते हो आप, सलाद खाते हो, फल खाते हो, इसी तरह अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको पानी में डालो, डॉक्टर से पूछ लो कितने लीटर डाल लें, थोड़ी लें ज़्यादा लें, कितने में मेरा गुजारा हो जाएगा, कितने मुझे फायदे बनाने शुरू हो जाएंगे बिस्मिल्लाह करके पीना शुरू। ये दो चार पाँच दिन दस दिन के अंदर अंदर तलाश कर लेंगे कहाँ कहाँ, उसके बाद ये गंद निकालना शुरू करेंगे, अगला बनना शुरू हो जाएगा पाँच से बातें निकाल लेंगे। जब शुरू होगा आपको पता चल जाएगा, पहले एक दफा वाशरूम जाते थे, दो दफा चार दफा जा रहे हैं मतलब निकल रहा है, पेशाब ज्यादा आ रहा है तो पेशाब वाला मतलब गंद निकल रहा है खुदों के जरिए, अगर पखाना ज्यादा आ रहा है तो मेरे आंखों की सफाई हो रही है, अगर आंखों से मैल आ रहा है तो मतलब जिगर की सफाई हो रही है, इसी तरह से अगर नाक के जरिए कुछ आ रहा है मतलब आ रहा है तो मतलब फेफड़ों की सफाई हो रही है। इस तरह की मुख्य परेशानियां थी, अगर किसी को पुरानी चोट लगी थी ये जब उसको ठीक करेगा उसको पकड़ेगा तो वहां पे हल्का हल्का दर्द रहेगा कुछ दिनों में, आपको लग रहा है यहाँ क्या हुआ, तो याद करो कोई पिछले 10 साल 20 साल 15 साल पहले कोई चोट लगी होगी तो फालतू हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था यहाँ पे जिसको ये रिपेयर कर रहा है, ये वो मसला था, तो इतनी जबरदस्त चीज मिलेगी कहीं और कोई ऐसा। अच्छा चलो डॉक्टर ने ढूंढ लिया आपके एक लाख के टेस्ट करवा के ढूंढ लिया कि आपके खिलाफ ना खुना खुलिए में आपके जोड़ में खुना डोला है तो क्या ठीक हो जाता है, टेंशन बढ़ जाती है, इतना बड़ा मसला है हल तो फिर भी नहीं मिलता, मतलब लाख दो लाख लगा के टेंशन लेते हो हल नहीं मिलता, यहाँ आपको 1,500-2,000 में क्या है ये ढूंढ के देगा, मसला भी ये है और हल भी है, दोनों काम इसके तरफ हमें रखे हैं तो बहुत आपका जिसम बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा, आपका अंदर का डॉक्टर तगड़ा होना शुरू हो जाएगा, आखिरी मरला खुलिए नए बनेंगे, हमारा जिसम की रिपेयरिंग हो जाएगी, नए बन जाएंगे खुलिया, जगह करना है ये काम करता है ये करता, कोई ऐसा मरीज जिसका जख्म ठीक ना होता हो उसको इसकी ड्रेसिंग करो और यही मिलाओ, अगर उसका जख्म भरना शुरू हो जाए तो क्या करा, खुलिया बनेंगे नहीं बने, अंदर भी बनेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने निजाम रखा हुआ है, 120 दिन बाद पहले वाले खुलिए चले जाते हैं जगह नए बन जाते हैं, तो ये अल्लाह ताला का सिस्टम है, ये जबरदस्त हो जाएगा तो ये बनेगा, मतलब आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो, आपकी इंसुलिन छूट सकती है, आपकी दवाइयाँ छूट सकती हैं, आप जिन चीज़ों पर लगातार चल रहे हो टीकों के ऊपर दीगर चीज़ों के ऊपर उनकी जरूरत इंशाल्लाह एक वक्त आएगा नहीं पड़ेगी, अल्लाह के फजल से आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। उसके बाद आपकी मर्जी है इसको रेगुलर इस्तेमाल में रखो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है, नहीं रखना चाहते तो आपकी चॉइस है, रख लोगे फायदे में रहोगे मजे, खुलिया ठीक होगा ऑटोमेटिकली बहुत सारे खुलियों से मिलकर बना हुआ टिश्यू ठीक होगा, टिश्यू ठीक होंगे तो उससे बने हुए कोज ठीक होंगे, जब उस ठीक होंगे तो हमारे सिस्टम ठीक है, नतीजे में पूरा इंसान जो है वो फिटनेस की तरफ आ जाएगा। और टेस्टिमोनियल रिजल्ट में हम दावा ना होता, ये एक बाबा जी गुजरे हैं 256 साल का होकर बहुत बड़ा चीना है ये वहाँ रहता था, 10 साल की उम्र में इसने इस जड़ी बूटियों का बिजनेस शुरू किया, अब जब बंदा कोई कारोबार करता है तो उसकी हर ऊंच नीच जानता है कि कपड़े का अगर शुरू किया तो अच्छा कहाँ से मिलेगा, सस्ता कहाँ से मिलेगा, क्वालिटी ये वो सारे चीज़ देखेगा, इस बिजनेस में जब ये आ गया जड़ी बूटियों के बिजनेस में अच्छे चीज़ों के बिजनेस में तो उसको पता चला अच्छी चीज़ सबसे जबरदस्त कौन सी है, अल्लाह ताला ने भी तो अच्छी उससे कम उससे कम उससे कम बनाई होगी ना, तो इसको पता चल गया सबसे दी बेस्ट कौन सी है, तो ये लिंग्स ही मैं इस्तेमाल करता रहा तभी उम्र के लिए, कौन सी जड़ी बूटियाँ तभी उम्र के लिए इस्तेमाल करता रहा, मेरी सेहत अच्छी हो लंबी हो जिंदगी, गोजी बेरी और जिनसिंग वगैरह का इस्तेमाल करता रहा, हमारा इदारा गोजी बेरी भी दे रहा है जिनसिंग भी दे रहा है और लिंग्स भी दे रहा है, यानी कहना मतलब हम आपको वो चीज़ें दे रहे हैं जो आपको खर्ची नहीं दे रहा, दर्द नहीं दे रहा, कोई नारा आपको नहीं देगा लेकिन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान में सेम यही चीज़ मतलब यही मशरूम यही चीज़ें अगर आपको कहीं से मिले तो
तो आप मुआवजा जरूर करें कि हमारी शक्ति है या उनकी शक्ति है। जब आपको मिलेगी नहीं तो क्या करें, मुआवजा हो जाएगा। पाकिस्तान में एक चीज मिलती नहीं तो आप कैसे कहोगे कि वो सस्ती है या महंगी है, नहीं कह सकते ना। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग आपको दे रहे हैं और बहुत मुनासिब पैसों में दे रहे हैं। अगर बाकी दुनिया में आप सर्च कर लो, सऊदी अरब में ढूंढो यार, ये अंदर मिलता नहीं मिलता, रशिया में, अमरीका में, यूरोप में, आपको उससे कई गुना रेट में मिलेगी सस्ती। सिर्फ हमारा इदारा जहाँ जहाँ भी दे रहा है सस्ती दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद उगाते हैं, खुद पैक करते हैं, खुद आप तक पहुँचाते हैं। ये दफ्तर हमारा है, यहाँ से हम खुद सेल करते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं कि किसने एक खरीदा, किसने दो खरीदे, किसने 50 खरीदे। अब ये प्योर पैकिंग में भी है, 22 ग्राम की, 70 ग्राम की। इसके बाद इसको हमने मुख्तलिफ मशरूबात में शामिल कर दिया। कॉफी हाँ मशरूम में पिया जाता है सर। इसका जायका कैसा है? प्योर का ठीक है सर। आप कह रहे हैं सर वो ना कड़वा है ना मीठा है? सर वैसे ही खाना पड़ता है। पानी डाल करके, पानी ले लें एक दो गिलास, उसके अंदर अगर कम से शुरू करना है आपके को बड़े मसले नहीं है, कम से कम मिकदार आधा चम्मच या चौथाई चम्मच हो सकता है, आप उसमें डाल के ठीक है उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, बोतल में डाल के मिक्स कर लें ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें उसको घूट घूट करके, मतलब एक शरबत की तरह आपने सकते ताज़ा पानी ले लें, हल्का सा नीम गर्म ले लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इधर कोशिश करेंगे जो पानी उसमें इस्तेमाल करें वो फिल्टर किया हुआ उबला हुआ हो, उससे इसके रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएंगे ठीक है। क्योंकि हमारा पानी साफ नहीं है ना, तो कचरे वाला पानी पिएगा तो ज़ाहिर बात है उसके फायदे नहीं कम करते। अच्छा इसको आपने शरबत, अब बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे यार, मज़ा नहीं आ रहा, तस्का नहीं है, तो हमने थोड़ा तस्का दिया है आपको, हमने इसको कॉफ़ी में शामिल कर दिया। दूध भी इसमें थोड़ा बहुत मौजूद है, मज़ीद ऐड करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है, कॉफ़ी भी है और मशरूम भी है। और मज़े की बात 61 रुपये का साशे पड़ता है, उसमें से 6 कप आप बनाते हो आमतौर पर, कई लोग तो 10-10 बीस से बना लेते हैं, लेकिन हम लोग 6 आपको कहेंगे कि 4-6 बनाएं, उसमें आपको उसके ज़्यादा फायदे देना है। उबलता हुआ पानी डालें, कप पे लिया छठा हिस्सा उबलता हुआ पानी डाला, मिक्स किया, चीनी शक्कर शहद जो भी डालना है आपकी मर्जी, कुछ करें चीनी ना डालें, शहद शक्कर डाल दें ठीक है। अगर पीका पी लेंगे तो क्या ही बात, इस्तेमाल करें फायदे। ज़्यादा चस्का चाहिए तो दूध डाल पानी की जगह, डिलीशियस टेस्ट मिलेगा, टेस्ट के साथ साथ बहुत सारे सेहत के फायदे मिलेंगे। देखो खाना नजर नहीं होता, खाना खाया गया इंतजामियत, वो एक कप इसका पी लिया करें पानी वाला, दूध वाला नहीं ठीक है। उनका खाना उसे खत्म होगा, उन्हें लगेगा गदा आने शुरू हो जाएंगे, और थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद वो फिर खाना खा सकते। इस तरह और बहुत सारे फायदे इसलिए कॉफ़ी से आप ले सकते। देन दूसरी कॉफ़ी है हमारी ब्लैक, ये जिनको वजन ज़्यादा है वो कहते हैं यार मैं वजन कम करना चाहता हूँ, खाली पेट पिया करता हूँ। शुगर के मसले में पट्टों का सत्यानाश होना शुरू हो जाता है, मर्दाना वाले से बंदे का बहुत खाना खराब हो जाता है, वो लोग ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल करें। एक साशे से 8 कप बनते हैं, 7-8 रुपये का एक कप पड़ता है, इससे सस्ते में आपको कहीं भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ मिलेगा। इसी तरह जोड़ों के मसले जिन लोगों के उनके लिए भी ये बहुत अच्छे है। उसके बाद बीटा कैफे, एक कॉफ़ी हमने दी है जिसमें ये मशरूम तो है, ये कॉफ़ी भी है, दूध भी है, थोड़ी सी चीनी भी है, साथ 2 तरह की जिनसिंग भी है। जिनसिंग का कमाल क्या है, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो जानते हैं कि ये मर्दाना हमारे से आउट क्लास है। एक जिनसिंग वो है जो चीन में होती है, वो इसमें डाली है हमने, एक जिनसिंग वो है जो थाईलैंड में होती है, तो थाईलैंड वाले जिनसिंग है वो डायरेक्टली हमारे मर्दाना वाले से जो उसके पास है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। उसके ऐसी बातें इंटरनेट में मौजूद है, मैं नहीं कह रहा कि वो उसकी जो आजकल माशाल्लाह डिमांड करते हैं बहुत सारे लोग, वो डिमांड पूरी करते हैं, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। 75 रुपये का साशे पड़ता है, आम हालात में आप 6 कप बनाओ, 4 बनाओ, आपकी मर्जी है, चाय की जगह ये भी हो, आप अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ देखोगे मर्दाना वाले से भी और वैसे भी। लेकिन अगर आप चाह रहे हो अर्जेंट परफॉर्मेंस तो आप पूरा साशे भी बैठा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पानी वाला कर और बगैर चीनी के कर, वो आपको ज़्यादा फायदा। चौथी कॉफ़ी हमने ली है वाइट सैनो, क्रीमी कॉफ़ी है, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है, ये आम बंदा हमारे लिए नहीं है, जो कॉफ़ी के आदि लोग हैं वो इसको पसंद करते हैं ठीक है। क्योंकि हम लोग कॉफ़ी के पहले यूज़र नहीं है तो हमारे लिए वो तीन ज़्यादा अच्छी है, और हमारे बजट में 10-12 रुपये में हमें एक कप पड़ता है, हम इजीली एक पैक लें आराम से उसको 40 दिन 50 दिन 2 महीने जितना भी चलाना है उसको पिए खत्म करके फिर दूसरा ले सकते हैं। देन अब बच्चों को भी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे फिट रहें, उन पर यह सारी चीज़ असरअंदाज ना हो, उनका भी जिसम से गंद निकलता है साथ साथ उनकी हड्डियाँ मजबूत हों, तो उसके लिए हमने कोकोआ एक ऐसा बीज होता है, कॉफ़ी नहीं अलग चीज़ है, इससे चॉकलेट बनती है, मतलब इसमें चॉकलेट का जायका आएगा, बच्चे अक्सर ज़्यादातर बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, तो हमने इसको उसमें डाल दिया। इसको इस तरह से बनाना है बच्चों को, एक चम्मच ले लें दूध, फिटर दे रहे हैं मिसाल के तौर पर, उसमें डाल के मिक्स कर देना।
अगर गिलास में लेना तो एक गिलास दूध आधा गिलास दूध में मिक्स करके दे, छोटा बच्चा है गिलास कम कर दे, आधा चम्मच कर दे, चौथाई चम्मच कर दे, आराम से। अगर एक चम्मच रोजाना इस्तेमाल कर रहा है बच्चे को, एक साशे छोटा सा एक पैकेट 7 दिन चलेगा, 20 साशे एक पैकेट के अंदर, मतलब आपका एक 1500-1700 रुपये का जो पैकेट है वो 4 महीने चलेगा। 4 महीने के लिए अगर आप बच्चे के ऊपर, और आप 1500-1700 नहीं लगा सकते, सिर्फ पहले मरले में ट्राई करना है, पहला एक ट्राई के लिए ले लो, फायदे नजर आ जाए, बच्चा फिट नजर आए, जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े, जहनी तौर पर अच्छा हो जाए, खुद जहनी दूर हो जाए, जीनियस हो जाए, तो फिर आप आगे जाएंगे। अगर नहीं मिलते फायदे तो फिर छोड़ सकते हैं, टेंशन नहीं है। वो जो आपने 1500-1700 खर्चे हैं उसमें से 1800 रुपये 1500 रुपये नहीं मिल रहे, ठीक है, 150-20-30 हो सकते हैं इनको मिले, लेकिन सारे नहीं मिले। तो ये जैसे निकाल दें कि आपके उस एक टाइप लेने से एक करोड़ हो जाएंगे, ये नहीं होंगे। हाँ, जब आप बार बार लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इसको दोस्तों की तारीफ करेंगे, फिर यकीनन हम सारे जो जो इस बिजनेस में मौजूद रहेंगे वो बहुत आगे जाएंगे। इसी तरह ये तो चीज अंदर भेजने वाली पर मजे वाली चीजें, आप बैरूनी तौर पर बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। आज हम पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, धड़ल्ले से ऊपर लिखा होता है फ्लोराइड वाला पेस्ट, तो भाई जाके देखो अमरीका वाले फ्लोराइड कहते हैं कैंसर पैदा करता है, ऊपर लिखा होता है फ्लोराइड। अगर बाबा फ्लोराइड वाला पेस्ट है तो उसके ऊपर लिखते हैं कि अगर ये अंदर चला जाएगा तो फौरन डॉक्टर के पास पहुंचो, इतना ब्रश करवाओ और बच्चों की मौत से दूर रखो। हम लोग जो आपको दे रहे हैं नीला कैटेगरी वाला पेस्ट है, हर पेस्ट के ऊपर एक निशान लगा हुआ है, या वो काला होगा या लाल होगा या नीला या हरा, ये 4 निशान होते हैं। बाजार से आप महंगे से महंगा पेस्ट उठा लो, जो आपको लगता है सेंसोडीन पेप्सोडेंट व्हाटएवर, वो आपको काला या लाल मिले। काले का मतलब प्योर केमिकल, लाल का मतलब प्योर केमिकल प्लस कुछ इक्का दुक्का अद्वियाती चीजें, मेडिसिनल चीजें। ब्लू का मतलब मेडिसिनल चीजें और कुदरती चीजें, और ग्रीन का मतलब कम पर कुदरती चीजें। हमारा कौन सा नीला ब्लू कैटेगरी, मतलब अद्वियाती चीजें और नेचुरल चीजें, कोई केमिकल इसमें नहीं, नुकसानदेह कोई चीज इसमें नहीं। इस वजह से ये फर्स्ट एड किट के तौर पे आप घर में रखो, कोई जख्म हो गया लगा दो फौरन, जब तक जख्म भरेगा नहीं उतरेगा नहीं। कब्ज हो गई शरीर, आपने सारे टूट गए दबा लिए, नहीं टूट रही, थोड़ा सा पानी लो, आधा कप नीम गर्म, उसमें एक चने के दाने के बराबर मिक्स कर और पिला दो। अगर छोटा बच्चा है तो और कम मिकदार कम कर, ये बड़े की मिकदार चाहिए। आधे घंटे में इंशाल्लाह तसली से आप वाशरूम हो। अगर लूज मोशन है सारे तजर्बे कर लो, डॉक्टर क्या है आप खड़े हैं मोशन बंद नहीं हो रहे, तो ठंडा या पानी ले लो, उसमें इतना केयर करके पिला दो। अगर आप मोशन नहीं आएगा 15-20 घंटे 12 घंटे के बाद प्रॉपर आपका पखाना ही हो। ये प्रोटीन क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल के करीब करीब है, अदरवाइज हम इसको कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा जिन लोगों को चंबल का मसला है, तो जल्द की खारिश इंतहा की, वो खाली ये पेस्ट लगा के छोड़ दें आधा घंटा, ऐसी ठंड पड़ेगी वो सारी गुजरी गुजरी गायब, और उसके बाद हमारे साबुन से वॉश कर, महीना 2 महीना कर लें इंशाल्लाह 80-90% मसला ठीक हो जाए। कुछ बच रहे हैं तो वो प्योर मशरूम जो मैंने बात की उसको पीना शुरू करते हैं, वो भी निकलते। इसी तरह शैम्पू बालों के लिए अच्छा है, रेगुलर यूज में जो रखेगा वो ज़्यादा फायदा होगा। जो मेरी तरह कभी कभी करेगा वो उसके बाल तो कितने से रुक जाएंगे, लेकिन जो ग्रोथ वाले मामला हैं वो इतने अच्छे नहीं। मसाज ऑयल जुड़ों का मसला आजकल आम, हर दूसरे तीसरे बंदे का कोई ना कोई रोड़ा है जुड़ों का, क्यों, क्योंकि हम लोग वो मुर्गी खा रहे हैं तो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि पड़ी रहती है, तो हम लोग भी पड़े हुए हैं, जहाँ बैठ गए फिर नहीं उठ सकते हम लोग, जब तक कोई अर्जेंट कोई ऐसी फटीक ना आ जाए जिससे उठना पड़े। तो इस ऑयल को इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ज़बरदस्त रिलीफ मिलेगी, आसाबी पेन है, इसके अलावा बच्चे और पटों के मसाइल हैं, पालद है, लकवा है, उसमें इस्तेमाल करें, हल्का सा गर्म करें, इसे चूल्हे वगैरह के पास रख दें, हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसको अच्छी तरह शेक करें और फिर अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी में बनाया है, 9 गुना इसका ज़र्रा बारीक है, आम ज़र्रा से खुद ही अंदर चला जाएगा, आप बस लगाओ लगा के छोड़ दो, खुद ही पेनिट्रेट करेगा, अपना काम दिखाएगा, लगा के जिन लोगों का बोलने का काम है मेरी तरफ, या हमारे अहमद हजरात हैं खिताब करना होता है, आज उन्हें तकरीरें करनी होती है, या हमारे नाफना हजरात हैं या टीचर हैं, घंटा घंटा उन्हें खड़े होकर लेक्चर देना होता है, वो लोग इसको इस्तेमाल करें। उनका पहला बंदा है फौतीन हमारी खूबसूरती लिटरेचर में मिलेगा और
उसके अलावा जिनकी खूबसूरती के लिए भी हमने चीजें आपको दी है, खवातीन इस्तेमाल करें, फायदा होगा। ये मशरूम समझ आ गया सबको, कोई इसमें परेशानी कंफ्यूजन, सारा चीजें मेरे भाई खुराक है, गिजा है, इस्तेमाल महीना दो महीना इस्तेमाल करके इसके फायदे फायदे नजर आ रहे हैं तो मेरे अगर पाओ तीन होता ही नहीं, फायदे ना नजर आए तो हम तुम्हें बुरा वाला नहीं कह सकते, आपका हक है, ठीक हो गया। दूसरा मसला, इसके ऊपर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, जल्दी कवर हो जाएगा ये। दूसरा मसला था हमारे जिसम में कमियाँ, मुख्तलिफ चीज़ हम अच्छी चीज़ें नहीं खा रहे, हम सारे चटपटा खा रहे, नतीजा हमारे जिसम के अंदर गिजाई अज़ा हमें नहीं पहुँच रहे, वो अब कमी है 30 साल की 50 साल की, एक बहुत बड़ा प्लॉट है, बहुत गहरा, हम उसको बराबर कर लें, मटी डाली पड़ेगी डाली पड़ेगी, हाथ पड़े डालोगे नहीं ना, आप डील करोगे किसी डंपर वाले से या ट्रॉली वाले से, भाई जान को 20-30 खालियाँ लगा, डेली 10-20 डालो, जल्दी जल्दी भरे, ऐसे ही होगा। अब कमी है 30 साल की, 20 साल की, 50 साल की, अब वो भरनी है, वो पलों से नहीं भरी जाएगी, तो आप सलाद खाना शुरू कर दो कल से धड़ाधड़ नहीं भरी जाएगी। आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, एक ही जगह, और वो भी कुदरती, जो फैक्ट्री लेबॉरेटरी वाली चीज़ें हैं वो पूरी कमी फुलफिल नहीं करते, डॉक्टर साहब जानते हैं। ये ऐसी गिज़ा मैं बताने जा रहा हूँ जिसका 1 किलो 1000 किलो फल सब्जियों के फायदे आपको, 1000 किलो फल सब्जियों के विटामिन मिनरल प्रोटीन दीगर गिजाई ज़्यादा इसमें टूस चूस के बने, क्या क्या ख्याल कर रहे हैं इसमें, 20 मादनी अज़ा रखे हैं, 18 विटामिन रखे हैं, 18 प्रोटीन की इकाइयाँ रखी हैं, उसके अलावा 4 कुदरती पिगमेंट रखी हैं और नशास्ता चकनाई वगैरह हमने बहुत थोड़ी रखी है क्योंकि हम सारा दिन यही खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो जो चीज़ें हम लोग खा रहे हैं सारा दिन, मेजोरिटी उसमें नशास्ता है, तब अल्लाह तला ने कम रखी है, ऐसा एक अमेजिंग चीज़ अल्लाह तला ने बनाई। इसका 1 किलो आप महीने में आराम से खा सकते हो, लेकिन 1000 किलो फल सब्जियाँ तो नहीं खा सकते, करो 300 किलो रोज का बनता है, हमारा अपना वजन 70 किलो तो 300 किलो रोज में आएंगे, तो ये 1 किलो इसको बांट दो 20 दिन आराम से खा सकते हो। इसका एक टैबलेट जो गोलियों की शक्ल में आपको देते हैं, एक गोली आपको 12-13 रुपए की पड़ती है, 1 पाव खा सब्जियों का फायदा देती है, अब 1 पाव खा लो सब्जियाँ 12 रुपये में ले लोगे जी, भरने वाली बात नहीं होगी, मेदा बड़ा है उसमें आप एक डाला में ऐसे नहीं भरेगा, खाना थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, लेकिन जो कमी है असली असल चीज़ों की जो कमी है वो तो फुलफिल करनी है ना, हमारा पटे काम अच्छा करे, हमारे बाल लग गए, हमारी नज़र कमजोर ना हो, हमारे दिल कमजोर ना हो, दिक्कत नहीं, उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं है, वो सब मिलते हैं, सस्ता लेते रहो कहीं पहले खाना है क्यों खाना है खाते रहो, लेकिन कुछ अच्छा भी खाओ जिससे ये चलता रहे, ज़मीनें जायदादें बना दी हैं वो यार तो हंडाओ भी तो सही, वो कब हंडाओगे जब वहाँ तक जाओगे 10-20 साल और गुजारोगे, फिट रहोगे, फिटनेस ना रही, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत बड़ा पाकिस्तान में बहुत उसकी मिले हैं माशाल्लाह, करोड़ों अरबों रुपये होने के बावजूद दंदू की रोटी बनाए नहीं खा सकता, जौ की रोटी